हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उसमें देखो फन फिक्शन स्टेप बाय द ऑब्सेशन का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 मंथ बाद तंग जो अब जंगुक से थोड़ा थोड़ा और भी ज़्यादा इरिटेटेड होने लगा था, क्योंकि जंगुक उसके लिए सच में अब साइको की तरह ही बिहेव करने लगा था। उसे ना तो घर से बाहर जाना भी देना पसंद भी करता है, पर फिर भी तंग अपने वर्क के लिए हमेशा ही बाहर चला जाता है, जिससे जंगुक एवरी नाइट ही गुस्से में आ जाता है और तंग एवरी नाइट ही पनिश करता है। पर तंग इस बारे में क्या नहीं करता है कि जंगुक उसे फोर्स करता है या फिर नहीं, पर उसे सिर्फ अपने वर्क से मतलब है। वो ऐसे ही जंगुक के सामने हार नहीं मान सकता है, क्योंकि वो जानता है अगर उसने हार मान लिया तो फिर जंगुक के अंदर हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो तंग को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जो तंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तंग आज भी जब रेडी होकर अपने कंपनी के लिए निकलने वाला था, तभी जंगुक अचानक से तंग के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी कूल वॉइस में कहता है, तुम क्यों बाहर जा रहे हो, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तब तंग जंगुक की तरफ देखता है और खुद भी अपने कूल वॉइस में कहता है, मैं क्यों बाहर नहीं जा सकती हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों को सुनकर डर जाऊँगी और मैं चुपचाप यहाँ पर बैठे रहूँगी। ऐसा नहीं हो सकता है जीवन जंगुक, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगी और मैं मेरी वर्क करते रहूंगी, क्योंकि तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे से इसलिए शादी किया हूँ ताकि मुझे मेरी कंपनी और सब कुछ मुझे छोड़ना ना पड़े, मैं इस बिजनेस वर्ल्ड से पूरी तरह से गायब ना हो जाऊँ और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, इस वजह से मैं तुमसे शादी किया हूँ, वरना मेरी कोई भी शौक नहीं था तुम जैसे इंसान के साथ शादी करने के लिए। तब ये सुनकर जंगुक अपने दांत को पीसते हुए कहता है, और यही इंसान के लिए तुम क्रेजी थे, तुम इसके साथ एवरी नाइट इंटीमेट होने के लिए क्रेजी थे और मैं जब इसे पूरे वर्ल्ड के सामने लेकर आई हूँ तब तुम ऐसे बातें कर रहे हो, सच में तुम ये सब कुछ कैसे कह सकते हो, तुमसे ही सब लोग सीखता है शायद कि कैसे एक इंसान होकर दोनों तरफ से बातें किया जाए। तब ये सुनकर तंग गुस्से में क्या है, मैं दोनों तरफ से बातें नहीं कर रही हूँ, तुम्हें हमारी चीज़ को प्राइवेट रखना चाहिए था, पर तुम ऐसा क्यों नहीं किया हो। तब जंगुक गुस्से से क्या है, मैं कोई भी मिस्ट्रेस बनकर नहीं रह सकती हूँ, ना तो मैं खुद भी तुम्हें मेरी मिस्ट्रेस बनाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम जानते हो क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है तुम किसी और के साथ पूरी वर्ल्ड के सामने उसके हस्बैंड बनकर रहोगे और मैं इसे देखते रहूँगी। तुम क्या मुझे बोल सकते हो, तुम क्या उस दिन शादी के दिन तुम क्या उसे ना करने भी वाले थे, हम लोगों की प्लान का क्या हुआ था, तुम क्यों मेरी बातों को नहीं सुने हो, हम लोग बहुत ही अच्छा प्लान किए थे कि तुम शादी नहीं करोगे पर फिर भी तुम मेरी बातों को नहीं सुने हो और तुम ऑलमोस्ट हाँ कहने ही वाले थे, और थैंक गॉड कि मैं मेरी सेकेंड प्लान को भी रखी थी, इस वजह से अब हम दोनों एक साथ हैं, तो फिर तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि मेरे ऊपर चिल्लाना चाहिए। तब तंग कहते हैं, सिर्फ मेरे हाथ को छोड़ दो। तब जंगुक कहते हैं, नहीं छोड़ूंगी, चुपचाप रूम में जाओ। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, तुम अभी भी कुछ कर पाए हो, तुम कुछ करते हो जिससे तुम मनी अर्न कर सकते हो, मुझे कैंसिल करो, मैं बिना खाए बिना पिए मरना नहीं चाहती हूँ, मेरी खुद के एक स्टेटस है जिससे मैं बिजनेस वॉल में टिका कर रखना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, तुम एक हाउस हस्बैंड बनोगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और मैं जानती हूँ मनी कैसे अर्न करना है और मैं मनी अर्न करती हूँ, तो फिर तुम अब इस बारे में ज़्यादा सोचना बंद करो और चुपचाप अपने रूम में जाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर तुम इतनी ज़्यादा बुरी तरह से अपने बिजनेस वॉल से गायब हो जाओगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि तुम कैसे गायब हो गए हो। तब तंग अपना इसको रोल करते हुए कहते हैं, जैसे मैं तुमसे डरती हूँ, तुम सिर्फ अभी भी एक चाइल्ड हो। तब ये सुनकर जंगुक स्माइल करता है और कहता है, और यही चाइल्ड तुम्हें बेड पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद तुम सुबह ठीक ठाक से चल भी नहीं पाते हो, तो फिर अब इस चाइल्ड के ऊपर ज़्यादा बिलीव मत करो कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, कभी कभार अनबिलीवेबल कुछ भी सोचना भी पड़ता है कि शायद वो कर भी सकता है, जैसे तुम्हारी बैग की हालत एवरी नाइट ख़राब करता है। तब ये सुनकर तंग जंगुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम एक प्राइवेट हो। तब जंगुक कहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी मैं कर सकती हूँ, एनी थिंग मीन्स एनी थिंग, मैं प्राइवेट भी बन सकती हूँ, एक मॉन्स्टर भी बन सकती हूँ, एक साइको भी, जो तुम चाहते हो। तब तंग इरिटेट होकर जंगुक के हाथ को छुटा देता है और कहता है, मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरती हूँ,
जो करना चाहते हो करो, मैं भी देखना चाहते हो तुम कैसे मुझे बिजनेस वर्ल्ड से गायब करते हो। और एक हैकर तंग जो इरिटेट होकर चला जाता है, तब जंग को क्या देख कर स्मार करता है और एक एविल स्माइल के साथ कहता है तुम आग के साथ खेल रहे हो और जल्द ही तुम देखोगे कि क्या क्या हो जाता है। और एक हैकर जंगकुक जो किसी को कॉल करता है और उसे कॉल करके जो सब कुछ समझा देता है कि असल में उसे क्या क्या करना है। तंग जब अपनी केबिन में था तभी उसकी मैनेजर की कॉल आता है, तब तंग तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब उसके मैनेजर कहते हैं सर एक बैड न्यूज़ है। तब ये सुनकर तंग शॉक था और कहते क्या बैड न्यूज़ है। तब तंग कहते हैं मिस्टर वंग हमारे साथ कॉन्टेक्ट तोड़ रहा है। तब ये सुनकर तंग शॉक होकर कहते हैं पर ये बिग प्रोजेक्ट था, हम लोग इसे नहीं तोड़ सकते हैं, उनसे समझाओ। तब तंग के मैनेजर कहते हैं सर हम लोग उसे समझाने की कोशिश किए थे और आपके सेक्रेटरी भी जॉब को छोड़ रहा है। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते क्या ये सब कुछ कैसे हो सकता है, सिर्फ कुछ घंटे ही हुआ है वो कैसे सब कुछ कर सकता है। तब तंग के मैनेजर फिर से कहते हैं आई एम सॉरी सर पर सब लोग एक एक करके जॉब को छोड़ रहा है, वो भी आपको बिना बताए। तब ये सुनकर तंग कहते हैं ये रूल्स के अगेंस्ट है। तब ये सुनकर उसकी मैनेजर कहते हैं पर सर इसमें भी एक रूल्स था कि वो लोग अगर चाहता है तो फिर वो लोग जॉब को छोड़ सकता है, पर अब वो लोग वही कर रहा है और सब लोग जॉब को छोड़ कर कोई बड़ा सा कंपनी में ज्वाइन दे रहा है जो शायद उन लोगों को ऑफ़र किया है और मुझे भी ऑफ़र आया था जहाँ पर मुझे मेरी मनी डबल पे किया जाएगा, पर मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ। सर आपको क्या लगता है कि सच हो सकता है? और मुझे लगता है मिस्टर वंग भी वही कंपनी के साथ अब अपनी डील करने वाला है, तो फिर प्लीज़ सर कुछ कीजिए वरना एक दिन के ही अंदर आपकी ये कंपनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहते जो चाहे वो करो, मिस्टर वंग के साथ अभी मेरी एक मीटिंग फिक्स करो, मैं जल्दी से उसके साथ बातें करना चाहती हूँ, मैं इसे खो नहीं सकती हूँ, जल्दी से मीटिंग के अब बारे में बातें करो। तब ये सुनकर उसके मैनेजर तुरंत हाँ कह देता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया है, सुबह तक तो सब कुछ ठीक था पर अचानक से। तभी उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है, तब वो बिना कॉलर आईडी देखे जल्दी से कॉल को उठा लेता है और कहता है क्या हुआ है, मिस्टर वंग क्या मान गया है। तब दूसरी तरफ से कोई हंसते हुए कहता है ओ स्वीटहार्ट तुम कैसे इतने ज़्यादा जल्दी भूल सकते हो, मैं तुम्हारी हबी हूँ, तुम कैसे मुझे भूल गए, जो भी हो मिस्टर वंग तुम्हारी कॉन्टेक्ट को नहीं लेगा। तब ये सुनकर तंग जो गुस्से में क्या थे जंगकुक तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम क्यों ये सारे बातें कर रहे हो, मुझे नहीं पसंद, ये सब कुछ मेरी करियर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तुम क्यों इस तरह से बातें कर रहे हो, तुम्हें उल्टा मुझे हेल्प करना चाहिए। तब जंगकुक कहते हैं मैं क्यों तुम्हें हेल्प करूँगी, मैं तुम्हें सुबह ही कहा था कि ये सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें सिर्फ हाउस हस्बैंड बनना है, पर तुम मेरी बातों को कहाँ पर सुनने वाले थे, इस वजह से देखो अब तुम्हारी कंपनी तुम्हारी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय हो रहा है, अगर इसे तुम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देखना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, अगर तुम अभी भी चाहते हो कि तुम इसे टिका कर रखना चाहते हो और अपने नाम को बना कर रखना चाहते हो तो फिर इसे मेरे पास दे दो, मैं तुम्हारी होते हुए इसे चला लूँगी पर तुम हाउस हस्बैंड बनकर रहोगे, इसके मालिक तुम रहोगे पर इसके जगह पर मैं रहूँगी, मैं इसकी एक भी मनी तक नहीं लूँगी क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तुम अगर मेरी इस सारे बातों को सुनकर चलते हो तो फिर शायद तुम्हारी स्टेटस तुम्हारी कंपनी इस सब कुछ रह जाएगा और तुम्हें कभी भी खुद के ऊपर अशम्ड भी फील करने की ज़रूरत नहीं होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर खुद ही देख लो तुम कैसे खुद के ऊपर अशम्ड फील करोगे, मैं इसमें तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ, ऐसे हस्बैंड होते हुए मैं कैसे तुम्हें भूल सकती हूँ, क्योंकि हम लोग प्रॉमिस लिए थे ना कि हम लोग हर वक्त एक साथ रहेंगे, हर खुशी के टाइम हर एक दुख के टाइम, और मैं तुम्हारे दुख के टाइम पर तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। तब ये सुनकर तंग अपने दांत को पीस तो ही गया था और यही दुख के रीज़न तुम हो। तब जिनको कहते जैसे मैं क्या करती हूँ, जो भी हो अब तुम्हारे हाथ में तुम्हारी डिसीशन है कि तुम क्या लोगे, क्योंकि जल्द ही तुम्हें डिसीजन लेना होगा वरना तुम्हारे सारे जो भी एम्प्लॉय हैं वो किसी और कंपनी में चला जाएगा जिसके साथ मेरी बातें हो गया है। तब
ये सुनकर तेहोंग कहते हैं, वो कौन पर्सन है जो तुम्हारी बातों को इतनी ज़्यादा इसलिए मान ले रहा है। तब जंगू कहते, तुम्हारी सोचने की बात नहीं है कि कौन मेरी बातों को सुन रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए अब यही इम्पोर्टेंट है कि तुम क्या करोगे। तब ये सुनकर तेहोंग तुरंत कहते हैं, मेरे साथ मिलने के लिए आओ, मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ। तब जंगू कहते हैं, मैं ऑलरेडी तुम्हारी कंपनी के सामने वाले कैफे में ही हूँ। तब ये सुनकर तेहोंग तुरंत कहते हैं, मैं अभी आ रही हूँ, कॉल को काटना मत। और ये कहकर तेहोंग जल्दी से जो लिफ्ट की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। और लिफ्ट के अंदर जाने के बाद ही वो जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके नीचे के फ्लोर पर चला जाता है और जल्दी से अपनी कंपनी से निकलते हुए जल्दी से सामने वाले कैफे में चला जाता है। और जब डोर को ओपन करके आसपास देखता है, तब वो देखता है कैफे में लोग नहीं था, सिर्फ एक जगह पर एक इंसान बैठा हुआ था जो फ़ोन पर किसी के साथ बातें कर रहा था। तब तेहोंग कहता है, तुम हो जंगू, मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे हूँ। तब जंगू पीछे की तरफ टर्न होता है और वो देखता है कि तेहोंग उसके पीछे ही था। तब वो फ़ोन को रख कर एक बनी स्माइल के साथ अपनी सीट से उठ जाता है। तब तेहोंग उसके पास जाता है और उसके सामने वाले सीट पर बैठते हुए कहता है, तो फिर सब कुछ तुमने क्या हो। तब जंगू खुद भी अपनी सीट पर बैठ जाता है और कहता है, ऑब्वियसली मैं नहीं तो और कौन करेगा। तब तेहोंग कहते हैं, तुम्हें कौन ऐसा रिस पर्सन है जो तुम्हें हेल्प कर रहा है। तब जंगू कहता है, मैं पहले ही कहा था ये तुम्हारी सोचने की बात नहीं है कि कौन मुझे हेल्प कर रहा है, सिर्फ तुम अब एक बोलोगे कि तुम क्या करोगे। तब तेहोंग कहता है, प्लीज़ जंगू ये सब कुछ बंद करो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम मुझसे शादी करके क्या अब खुश नहीं हो। मैं इस जगह पर चली गई हूँ कि मैं चाहकर भी तुम्हें डिवोर्स भी नहीं दे सकती हूँ, और उसके साथ तुम क्या चाहते हो मुझसे, और बोलो तुम मुझसे सब कुछ छीन ले रहे हो। मैं मॉम डैड के साथ पूरे 1 मंथ से मिल नहीं पाई हूँ, उन लोगों के साथ बातें नहीं कर पाई हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम और क्या क्या मुझसे छीनना चाहते हो बोलो। तब जंगू कहता है, हर कुछ, सिर्फ तुम मेरे लिए रहोगे। तब तेहोंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए हूँ ना, तो फिर और क्या चाहिए। तब जंगू कहता है, मुझे नहीं पता, चुपचाप अब डिसाइड करो, तुम हाउस हस्बैंड बनोगे या तो अपने सामने सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद जब तुम हार मान कर मेरे पास आओगे तब तुम खुश हो पाओगे। तब ये सुनकर तेहोंग जो एक लंबा सांस लेता है और कहता है, मैं नहीं करूँगी। तब जंगू कहता है, ओके फाइन, अगर तुम नहीं कर सकते हो मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगी, पर हारने के बाद मुझे ये मत कहना कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी वार्निंग नहीं किया था, और उसके बाद तुम मुझे आकर बिल्कुल भी रिक्वेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तब ये सुनकर तेहोंग सिर्फ जंगू की तरफ देखने लगता है। तब जंगू कहता है, जो भी हो कुछ खाना चाहते हो। तब तेहोंग नाम अपने सिर हिला देता है। तब मिस्टर वोंग की कॉल आने लगता है। तब तेहोंग जो तुरंत ही मिस्टर वोंग की कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से मिस्टर वोंग जो तेहोंग को कहते हैं, मिस्टर किम, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ कोई भी प्रोजेक्ट पर अब काम नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर तेहोंग जो शॉक हो जाता है और शॉक होकर कहते हैं, पर मिस्टर वोंग प्लीज़ मेरी बातों को। तभी मिस्टर वोंग कॉल को कट कर देता है और एक एक करके तेहोंग के सारे बिजनेस पार्टनर के मैसेज आने लगता है। ऐसे देखने के बाद तेहोंग पूरी तरह से शॉक हो रहा था, वो अब क्या करेगा, जंगू की बातें सर सो रहा था। तब जंगू अपने फेस पर एक केवल स्माइल के साथ कहते हैं, अभी भी तुम्हारे पास चांस है। तब तेहोंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, मैं घर में जा रही हूँ। और ये कहकर तेहोंग अपने सिर से उठकर जाने लगता है, पर वो जो अचानक से ही अपने सिर में हेवी फील करने लगता है और वो अपने सामने सब कुछ डार्क होते हुए देखने लगता है और तुरंत ही सेंसलेस होकर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब जंगू जब पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनता है, तब वो तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है और देखता है तेहोंग सेंसलेस होकर नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था। तब ये देखकर जंगू जो पूरी तरह से शॉक हो गया था और तुरंत तेहोंग के पास जाकर उसकी फेस को थपथपाने लगता है और कहते, तेहोंग उठो, क्या हुआ है, तुम क्या मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हो, प्लीज़ अपने सेंस में आओ। पर फिर भी तेहोंग कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगू जल्दी से तेहोंग को बाइडल स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। जंगू समझ सकता था कि तेहोंग कितनी ज़्यादा टेंशन में है और इसी वजह से उसे चक्कर आ गया है या तो उसकी एलर्जी की वजह से ऐसा हुआ है। और
यही सब कुछ शंकुक जो सोच रहा था। फिर शंकुक जो आधे घंटे बाद टांग को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ही डॉक्टर टांग को चेक कराने के लिए जल्दी से लेकर चला जाता है। तब शंकुक बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। वो डॉक्टर के साथ खुद भी टांग के रूम के अंदर चला गया था और वो सिर्फ टांग की तरफ ही देख रहा था। तब डॉक्टर शंकुक से पूछता है, मिस्टर जून, असल में पेशेंट को क्या हुआ था? तब शंकुक कहते हैं, हम लोग बातें कर रहे थे और सुबह वो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और वो ऐसे ही चला आया था और आज उसके दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा था। वो बहुत सारे शॉक न्यूज़ के साथ गया है। तब ये सुनकर डॉक्टर हमें अपने सिर हिलाता है। फिर डॉक्टर कहते हैं, ठीक है मिस्टर जून, हम लोग को और कुछ चेक करना होगा और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि असल में पेशेंट को क्या हुआ है। तब ये सुनकर शंकुक हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद शंकुक सिर्फ वेट करने लगते हैं कि डॉक्टर असल में सारे चेकअप करने के बाद कब जाकर उसे बोलेगा कि तांग अब ठीक है। वो इसके लिए वेट नहीं कर पा रहा था। तांग की हालत के बारे में मिस्टर जून और मिसेस जून को भी कहीं ना कहीं से पता लग जाता है और वो दोनों जो खुद को कंट्रोल ना कर पाते हुए तांग के साथ मिलने के लिए हॉस्पिटल में चला आता है। और लोग आने के बाद देखते हैं शंकुक जो बाहर डॉक्टर आने के लिए वेट कर रहा था। तब मिसेस जून आकर शंकुक को अपनी कोल भर्स में कहते हैं, यह सब कुछ क्या है शंकुक, तांग को क्या हुआ है? तब शंकुक अपनी काम भर्स में कहते हैं, वो सिर्फ सेंसलेस हो गया है, वो सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और आज उसके दिन कितनी ज़्यादा बुरा था ये तो आपको पता ही होगा। तब मिस्टर जून कहते हैं, अगर तुम एक हस्बैंड बनने के लायक नहीं हो तो फिर उसे शोर क्यों नहीं दे रहे हो? तब शंकुक कहते, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं उसे समझाया था पर आप लोग जानते हैं कि माय डियर हस्बैंड कितनी ज़्यादा स्टबर्न है और वो अपनी जिद को कभी भी सुन नहीं सकता है और इसी वजह से ऐसा हुआ है, वरना मैं उसकी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती हूँ पर वो मेरी बातों को सुनना पसंद ही नहीं करता है। तब मिसेस जॉन कहते हैं, तुम जैसे इंसान की बातों को कौन सुनना पसंद करेगा? तब मिस्टर जॉन कहते हैं, मुझे अब अशम्ड फील हो रहा है तुम्हारे जैसे एक सन को पाकर। तब ये सुनकर शंकुक स्माइल करता है और कहता है, माई प्लेजर, मैं खुश हूँ कि आपको अशम्ड फील हो रहा है, वरना मैं तो सोच रहा था कि आपको कहीं ना कहीं प्राउड फील ना हो जाए और आप रिग्रेट करते रहे कि आप क्यों अपने ब्रदर के साथ ऐसा नहीं किया था। तब ये सुनकर मिस्टर जून के मन कर रहा था कि मिस्टर जून जाकर शंकुक को बहुत जोर से स्लैप मारेगा पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम जैसे शेमलेस बॉय के लिए मैं और क्या ही बोलूं, मैं अब सोच रही हूँ तुम मेरे सन थे भी या फिर नहीं, तुम्हारी मम मुझे किसी और के साथ धोखा दिया था। तब ये सुनकर शंकुक जो स्माइल करता है और कहता है, मुझे तो लगता है आप शायद पास्ट के टाइम पर एक डेविल थे, इस वजह से मेरे अंदर भी वो डेविल की सारे पर्सनैलिटी आ गया है। और बाकी रही मेरी मॉम, मेरी मॉम के बारे में गलत बातें बिल्कुल भी मत कहना, ठीक है? क्योंकि मेरी मॉम के बारे में मैं गलत शब्द सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। जो अभी इस वर्ल्ड में नहीं है तो फिर उसके बारे में गलत बातें कहना बंद कीजिए, क्योंकि अगर वो आपको धोखा देता तो फिर मेरी इस शक्ल आपके साथ चारा से भी मैच नहीं होता। तब ये सुनकर मिस्टर जूनियर कुछ भी नहीं कहता है। तब शंकुक सिर्फ स्मार करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद डॉक्टर जो बाहर आ जाता है और उसके बाद डॉक्टर जो शंकुक की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर जून, हम लोग पेशेंट के पेरेंट्स के साथ बातें करना चाहते हैं। तब ये सुनकर मिस्टर जून और मिसेस जून तुरंत कहते हैं, हम दोनों उसके पेरेंट्स हैं। तब शंकुक अपनी कोल वॉइस में कहता है, मैं उसके हस्बैंड हूँ तो फिर मुझे सबसे पहले जानने की हक है मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है। तब ये सुनकर डॉक्टर उसे रिलीफ की सांस छोड़ते हैं और कहते हैं, थैंक गॉड अब सब लोग यहाँ पर हैं। तब शंकुक कहते हैं, क्या हुआ है? अगर उसे कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर जल्दी से जाओ और जाकर उसकी ट्रीटमेंट करो, मैं मनी देने के लिए राजी हूँ, जितना भी ज़्यादा मनी की ज़रूरत है, उसके ट्रीटमेंट में कोई भी कमती नहीं होना चाहिए। तब डॉक्टर ये सुनकर तुरंत कहते हैं, ऐसा नहीं है मिस्टर जून। तब शंकुक कहते हैं, तो फिर क्या है? तब मिसेस जून कहते हैं, मेरी सन को कुछ वो तो नहीं गया है। तब मिस्टर जून कहते हैं, प्लीज़ डॉक्टर उसके लिए कुछ कीजिए। तब डॉक्टर कहते हैं, प्लीज़ आप सब लोग क्या मुझे बोलने भी देंगे? तब शंकुक तुरंत कहते हैं, यस प्लीज़ बोलिए। तब डॉक्टर एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद अपने सीरियस फेस के साथ कहते हैं, आपके हस्बैंड
सिक्स वीक की प्रेग्नेंट है। तब ये सुनकर जंगकुक जैसे एक सेकंड के लिए शॉक था। मिस्टर जून जो पूरी तरह से कॉन्फ्यूज था और मिसेस जून जो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और उसकी पूरी फेस स्वेट से भर गया था। तब जंगकुक डॉक्टर को कहता था, डॉक्टर आप ये क्या जोक कर रहे हैं? तब डॉक्टर कहता था, मैं जोक नहीं कर रही हूँ बल्कि सब कुछ सच है। तब जंगकुक कहता था, तो फिर इतने टाइम से क्यों नहीं हुआ है? तब डॉक्टर कॉन्फ्यूज होकर कहता था, आपके बोलने के मतलब? तब जंगकुक कहता था, हम लोग ऑलमोस्ट 9 मंथ्स इंटीमेट हो रहे हैं, तो फिर ये न्यूज़ मुझे 9 मंथ पहले पाना चाहिए था, तो फिर अब क्यों? तब डॉक्टर कहता था, सब कुछ एक टाइम पर नहीं होता है मिस्टर जून, क्योंकि कुछ लोगों के टाइम लगता है। और आपके हस्बैंड इम्प्रेग था और आपको ये पता होना चाहिए कि इम्प्रेग के मतलब क्या है, जिसमें बॉयज़ भी प्रेगनेंट हो सकता है और ये नॉर्मल है। तब ये सुनकर जंगकुक जो फिर से शॉक हो जाता है और वो मिसेस जून की तरफ देखता है। तब मिसेस जून सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब डॉक्टर कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा और पेशेंट अब सो रहा है और कुछ देर बाद ही उठ जाएगा। तब डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक मिसेस जून की तरफ देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, ये सब कुछ क्या था? तब मिसेस जून अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, क्या मतलब? तब जंगकुक कहता है, इसी बात से आप हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे हम, राइट मिसेस जून? क्योंकि अब नॉर्मल बॉयज कपल एक साथ रह सकता है और ये सब कुछ नॉर्मल है। हम लोग अगर रिस हैं तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आप इसीलिए हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको डर था कि आपकी सन प्रेगनेंट हो जाएगा। तब मिसेस जून गुस्से से कहता है, हाँ मुझे यही बात का डर था, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि ताऊ कभी भी इस बारे में जान पाए, कभी भी ये सारे बातें बाहर आ जाए और हमारी जो भी सारा स्टेटस नाम है सब खराब हो जाए सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से। और इसी वजह से मैं कभी भी ताऊ को बॉयज के साथ नहीं रहने दिया हो, पर तुम्हारी वजह से सब कुछ मैस हो गया है। अब जब सबको इस बारे में पता चलेगा तब सब लोग हम लोग की तरफ कैसे तरह से देखेगा तुम्हें पता भी है। तब मिस्टर जून मिसेस जून को शांत करने की कोशिश करता है और कहते हैं, प्लीज़ स्वीट हार्ट शांत हो जाओ। तब मिसेस जून कहते हैं, जंगकुक सिर्फ तुम इस बेबी को अबॉर्शन करने के लिए कहोगे ताऊ को। तब जंगकुक अपनी नाइस को रोल कर लेता है और कहता है, मैं क्यों कहूँगी? तब मिसेस जून कहते हैं, अगर तुम कहोगे तो फिर हम लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए सन इन लॉ। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, मुझे आप लोगों की एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स बनना चाहते हूँ। और जबकि हम लोग फ्यूजन में अडोप्ट करने वाले थे, तो फिर क्यों ना हम लोग ऐसे ही बेबीज को अगर खुद से ही पा रहे हैं तो फिर क्यों मुझे अडोप्ट करने की ज़रूरत है? और ऐसे भी मैं किसी की इनोसेंट जान तो नहीं ले सकती हूँ, और वो जबकि मेरी खुद की ब्लड है, तो फिर मैं क्यों उसकी जान लूँगी? तो फिर आप क्या ताऊ की भी जान लेना चाहते हैं? तब ये सुनकर मिसेस जून कहते, क्या बकवास कर रहे हो? तब जंगकुक कहता है, जब ताऊ के साथ आप प्रेग्नेंट थे तो फिर अब क्या तब भी ताऊ को ऐसे ही सोचते थे कि अब ताऊ को मार डालेंगे? ऐसा नहीं है ना? तो फिर ऐसा नहीं होगा, तो फिर आप आपकी ये सारे गंदे बातें अपने पास रख सकते हैं, और अगर आपको इतनी ज़्यादा शेम्ड फील होता है तो फिर यहाँ से चले जाइए, मैं ताऊ के साथ रह सकती हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो वेट करने लगते हैं कब जाकर ताऊ नींद से उठेगा। 1 घंटे बाद ताऊ सेंस में आ जाता है। तब नर्स आकर कहते हैं, मिस्टर जून आपके हस्बैंड सेंस में आ गया है। तब ये सुनकर जंगकुक रूम के अंदर जाने ही वाला था, पर उसके पहले ही मिस्टर जून जो जल्दी से अंदर चला जाता है। वो अंदर जाने के बाद ही ताऊ को तुरंत जाकर हक कर लेता है। तब ताऊ जब उसकी मॉम को देखता है तब वो खुद भी उसकी मॉम को हक कर लेता है, और उसकी मॉम को हक करते हुए अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं, मॉम मैं आपको मिस किया था। तब मिसेस जून जो ताऊ के बालों को रफ करते हुए कहते हैं, मैं अभी तुम्हें मिस किया था ताऊ, तुम क्या मेरे लिए और एक चीज़ कर सकते हो? तब ये सुनकर ताऊ तुरंत कहते हैं, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मैं आपकी वो बाला प्रॉमिस नहीं रख पाई थी पर मैं इस बार ज़रूर रखूँगी। तभी जंगकुक कहते हैं, ताऊ तुम मिसेस जून की बातों को नहीं सुनोगे, तुम मॉम की बातों को नहीं सुनोगे। तब ताऊ कहते हैं, तुम कौन होते हो, मैं तुम्हारी बातों को क्यों सुनूंगी? मैं मेरी मॉम की बातों को सुनकर चलूंगी,
मैं तुम्हारी एक भी बातें तक नहीं सुनूंगी। ये बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया हो और कुछ भी नहीं। प्लीज़ मम, आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? तब जंगुक फिर से कहता है, प्लीज़ तांग उसकी बातों को मत सुनना। तब मिसेस जून जो तांग को कहता है, तांग तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा। तब ये सुनकर तांग शॉक था और कॉन्फ्यूज होकर कहता है, किस बात का अबॉर्शन? तब मिसेस जून जो नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम बचपन से ही तुम इम्प्रेक थे और इस वजह से मैं कभी भी तुम्हें बॉयज के साथ रहने देना पसंद नहीं करती थी और मैं इसी बैचलर जंगों के खिलाफ भी थी और अब तुम 6 वीक की प्रेग्नेंट हो। तब ये सुनकर तंग पूरी तरह से शॉक था और उसके मम की तरफ देखने लगता है। तब उसकी मम कहते हैं, तुम मुझे प्रॉमिस किया हो ना, तो फिर तुम करोगे ना? तब जंगों तुरंत कहते हैं, प्लीज़ तंग मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा मत करो। तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस इंसान नहीं हो जो अपने अबॉर्शन भी कर सकता है, एक इनोसेंट की लाइफ भी ले सकता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तब तंग उसकी मॉम की तरफ देखने लगता है। तब उसकी मॉम कहते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तंग, तो फिर हम लोगों के बारे में भूल जाना। मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, तुम कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, तुम और मेरे साथ नहीं रहोगे। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शॉक था, उसके आँख से आंसू गिरने लगते हैं। तब मिस्टर जियोन कहते हैं, प्लीज़ मुझे निराश मत करो, मुझे बोलो। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, मैं नहीं कर सकती मॉम, मैं किसी की लाइफ नहीं ले सकती हूँ। तब ये सुनकर मिसेस जून जो सोले सोले तंग के पास से दूर जाने लगता है। तब तंग रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ मॉम मुझे मत सुनना, आपको समझना होगा मैं किसी की लाइफ नहीं ले सकती। तब ये सुनकर जंगुक जो स्माइल करता है और कहता है, तुम सही क्या हो, तुम किसी की लाइफ को नहीं ले सकते हो। तब मिसेस जून अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, जियोन तांग तुम सिर्फ और सिर्फ अब जियोन जंगुक के हस्बैंड हो, ना तो जियोन जंगुक मेरा कुछ भी है, ना तो तुम मेरा कुछ भी हो। मेरा एक सन था जो मर गया है और मेरे लिए अब कोई भी नहीं है। और ये कहकर मिसेस जून जो तांग के रूम से बाहर चला जाता है। तब तांग सिर्फ रोने लगता है, वो कैसे अपनी मम की बातों को रख सकता है, वो नहीं कर सकता है। तब जंगुक आकर तांग को हक कर लेता है और उसकी बैग को पैट करते हुए क्या था, प्लीज़ रो मत, ये हमारी बेबी के लिए ठीक नहीं होगा। तब तंग रोते हुए क्या था, मॉम ने मुझे अब खुद की सन मारने से मना कर दिया है। तब जंगू कहते, कोई बात नहीं, हम दोनों एक साथ रहेंगे ना। तब तंग कहते, पर मैं सच में कोई इनोसेंट की जान नहीं ले सकती हूँ। तब जंगू कहते, तुम जो भी कुछ क्या हो, तुम सही क्या हो, तुम उसकी बातों को मत सुनो, वो सिर्फ हम दोनों को अलग करना चाहता है और हमारी बेबी की लाइफ को वो सिर्फ ख़त्म करना चाहता है, प्लीज़ उसकी बातों को मत सुनो। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है पर वो जंगुक को हक करके रोने लगता है। तब जंगुक तंग को सिर्फ कंसोल करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।